दिनों मिल क्वालिटी गेहूं में आई तेजी अब तक बरकरार है। गेहूं में आई तेजी के चलते किसानों की ओर से आवक बढ़ती ही जा रही है। नया गेहूं आता है तो भावों में गिरावट आती है, लेकिन इस समय यूक्रेन संकट के चलते गेहूं में तेजी बनी हुई है। व्यापारियों के अनुसार यह तेजी आगे भी इसी तरह बनी रह सकती है। इस समय गेहूं 2200 से 2375 रुपए प्रति क्विंटल पर बना हुआ है। पिछले साल की तुलना में विदेशी बाजारों में भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। विदेशों में इस बार भारतीय गेहूं की मांग में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते वहां से गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। जो देश रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदते थे अब दूसरे देशों की ओर रुख करेंगे। वहीं अपीडा के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की तुलना में बीते 10 महीनों में भारतीय गेहूं की मांग में 387% की वृद्धि हुई है। अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान गेहूं के निर्यात में 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल जनवरी 2020-21 के दौरान भारतीय गेहूं के निर्यात से 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई थी, जबकि अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान भारतीय गेहूं के निर्यात से 1742 अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं अन्य अनाजों के निर्यात में 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।